एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्लीव्स पर। तो स्लीव्स का हम तरह तरह का डिज़ाइन बताने वाले हैं आपको, बहुत सारे ब्लाउज का स्लीव्स का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का स्लीव्स होगा, देखिए पहले कपड़ा को हम डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। अब देखिए स्लीव्स का जो लेंथ रहेगा वो 10 इंच का ही रहेगा, और जितना हम बताएंगे सारा डिजाइनर डिजाइन वाला आपका लेंथ वाला जो स्लीव्स है तो लेंथ बड़ा ही होगा, छोटा स्लीव्स वाला जो हम आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। तो 10 इंच का लंबाई रहेगा, और आपका देखिए चौड़ाई है, चौड़ाई आप अपना हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसा ब्लाउज का साइज उस हिसाब से आपको बढ़ाना है और घटाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे 5.5 इंच। अब देखिए ये 10 इंच का है आपका ब्लाउज स्लीव्स का लेंथ, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन आपको लेना है 2.5 इंच, ज़्यादा नहीं लेना है, यहाँ पर 2.5 इंच लेना है, क्योंकि जो स्लीव्स का साइज है उसी हिसाब से आपको यहाँ का डाउन लेना होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पहले स्लीव्स का जो शेप होता है वो इस तरीके से दे लेंगे, इस तरीके से देखिए, और फिर इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। तो ये आपका हो गया स्लीव्स का पूरा शेप, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिजाइन देंगे, तो डिजाइन हम कैसा देंगे, देखिए 10 इंच था तो 10 इंच पर हम नीचे तरफ, यहां से नीचे तरफ 3 इंच पर दाग देंगे, और यहां से हम नीचे तरफ 4 इंच लेंगे, ठीक है। ये वाला पूरा चौड़ाई आपका 4 इंच होगा ये वाला, ठीक है। अब अंदर तरफ हम लेंगे 1.5 इंच। अब इसको पहले चरखुट करके मिलाएंगे इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पे शेप देना है डिजाइन का। देखिए इस तरीके से कोना पे ये वाला कर दिए इधर गोलाई, और फिर इस तरफ भी हम इस तरफ कोना का गोलाई दे देंगे। तो देखिए स्लीव्स का जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके। देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हटा देंगे। तो देखिए स्लीव्स का डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ही प्यारा लुक आता है। आप ब्लाउज में यूज कर सकते हैं स्लीव्स का, और कुर्ती में भी आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसा स्लीव्स को। इसमें आप सिर्फ लेस लगा दीजिए तो भी बहुत अच्छा लगता है, और इसमें अगर साइड साइड में आप डिजाइन दीजिएगा तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये हो गया स्लीव्स का डिजाइन। अब देखिए दूसरा डिजाइन के लिए हम फिर वैसे ही कपड़ा ले लिए हैं, डबल फोल्ड किए हैं। तो हमारा ब्लाउज का जो स्लीव्स का लेंथ है वो उतना ही रहेगा 10 इंच। देखिए अब इस तरफ हम लेंगे 5.5 इंच, सेम साइज का हम आपको बता रहे हैं आज, पर डिजाइन जो है वो अलग अलग होगा। अब फिर देखिए यहां से हम नीचे तरफ डाउन मारेंगे 2.5 इंच, और स्लीव्स का शेप देंगे इस तरीके से। अब देखिए डिजाइन देना है, तो डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम पहले 2 इंच नीचे तरफ ले लेंगे, और इस तरफ से भी नीचे तरफ से ऊपर तरफ हम 2 इंच रख लेंगे, ठीक है। अब जो डिजाइन है वो हमारा इसी बीच होगा, तो इसका लंबाई कितना है, देखिए 6 इंच है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी पर एक दाग देंगे। देखिए 2-2 इंच की दूरी पर हो गया दाग दे दिए। अब इसमें आपको क्या करना है, डिजाइन देना है, इस तरीके से देखिए। अब जिस तरीके से हम दाग दिए वैसे ही आपको कटिंग करना है, और स्लीव्स का जो डिजाइन है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो अब इसको आराम से कटिंग कीजिएगा, जब भी आप स्लीव्स का डिजाइन कटिंग कीजिएगा तो थोड़ा हिसाब से आप जब कटिंग करेंगे तो अच्छे से कटिंग होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए कपड़ा। अब जो स्लीव्स का शेप था उसको हम अच्छे से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये वाला स्लीव्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से आएगा,
बहुत ही प्यारा डिजाइन होता है। यहाँ पर आप ब्लाउज का स्लीव्स हो या कुर्ती का स्लीव्स, आप कुर्ती पे लगाओ चाहे ब्लाउज पे लगाओ, स्टिचिंग करने के बाद आप यहाँ पर एक एक स्टोन ज्वाइंट कर दीजिएगा तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। और बस प्लेन यहाँ पर साइड साइड में एक लेस का वर्क कर दीजिए तो एकदम परफेक्ट स्लीव्स का डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा डिजाइन। अब देखिए फिर से हम एक कपड़ा लेंगे, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो लेंथ हमारा उतना ही रहेगा 10 इंच, और यहाँ का जो है मेरा चौड़ाई रहेगा 5.5 इंच हो गया। अब यहाँ से हम नीचे तरफ डाउन मारेंगे 2.5 इंच। अब जो स्लीव्स का शेप है वो दे देंगे, देखिए इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए लेके आना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप स्लीव्स कटिंग करें तो अगर आप ये वाला गोलाई अच्छे से दीजिएगा तो आपका जो स्लीव्स है बहुत ही परफेक्ट फिटिंग्स बैठेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे तरफ 2.5 इंच रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच और इसको हम इस तरीके से चरखुट कर लेंगे। अब इसको आपको जहाँ से हम 2.5 इंच लिए थे वहाँ से हम नीचे तरफ और 1 इंच पर दाग देंगे और यहीं से आपका जो डिज़ाइन है वो बनेगा इस तरीके से, देखिए। इस तरीके से डिजाइन बनेगा। तो देखिए जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे ही अब कटिंग कर लेना है। और जो स्लीव्स का शेप था वो भी कटिंग कर लेंगे। देखिए ब्लाउज का जो स्लीव्स का शेप आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा डिजाइन, बहुत ही ये वाला डिजाइन भी बहुत अच्छा लगता है, आप करके एक बार जरूर से ट्राई करें। पर इसको जब आप डिजाइन बनाएं उसके बाद आप यहाँ पर अगर एक छोटा सा लटकन यूज कीजिएगा तो ये वाला जो है ये बहुत ही अच्छे से बैठता है और बहुत अच्छे से डिजाइन का लुक आता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर लटकन यूज कीजिएगा और यहाँ पर लेस यूज कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो ये एक और डिजाइन हो गया। अब दूसरा डिजाइन के लिए फिर हम क्या करेंगे, कपड़ा ले लेंगे, 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे कपड़ा को, ठीक है। लेंथ वही रहेगा, चौड़ाई भी वही रहेगा तो 5.5 इंच पर हम दाग देंगे और इस तरफ से हम डाउन रखेंगे 2.5 इंच पर। और जैसे हम स्लीव्स का बोले शेप देना है अच्छे से गोलाई का, वैसे आपको शेप देना है और यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लाउज का जो डिज़ाइन है वो आपको देना है। तो देखिए डिज़ाइन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ से नीचे तरफ रखेंगे 2 इंच और यहाँ से भी हम नीचे तरफ से ऊपर तरफ रखेंगे 2 इंच, ठीक है। और इसको हम पहले चरखुट करके मिलाएंगे और इसको इस तरीके से कोना में और ये वाला कोना में इस तरीके से, तो इस तरीके से डिजाइन का आपका जो है लुक आएगा। अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे आपको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब जो स्लीव्स का शेप था वो उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया एक डिजाइन, ये वाला डिजाइन भी बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार जरूर से ट्राई करें। और ये वाला एक डिजाइन हो गया हार्ट शेप वाला, ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ 4 तरह का स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर किए हैं। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत है तब भी कमेंट करके बताइए हमें ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।